के बीच में एक बाइक में हो गया पंक्चर। इस वाले बुग्याल पर देखिए धूप है, इधर देखिए इस वाले पे धूप है ही नहीं। मुस्कुराती वादियों में भी छुपी है एक कहानी, एक कहानी। गुनगुनाती ये हवाएं गा रही है एक कहानी। ये रहा चंदन को ये बहुत खतरनाक चीज है। प्रभ ज्यादा गिरी, बहुत ही बच गिरे। शौकीन खान फिर से हाजिर है एक नए व्लॉग के साथ। आज मैंने एक नई जगह ढूंढ ली है और इस जगह की बहुत सारी खासियत है। ये जगह है गढ़वाल में ही है, पौड़ी गढ़वाल में। मुझे नहीं पता ये गांव कौन सा है, अभी यहाँ से ट्रैक करके जाना पड़ेगा। इससे आगे बाइक्स वगैरह भी नहीं जाती, हम लोग बाइक से आए। टोटल मेरे 6 फ्रेंड्स हैं, मैं आप लोग को मिलवाता हूं। लेकिन मैंने एक ऐसी जगह सर्च की है कि मुझे गढ़वाल में ही एक जगह बुग्याल्स के बारे में पता चला है, हालांकि वहां कभी कोई गया नहीं है। अभी जहां पे मैं खड़ा हूं इस गांव में, आप देख सकते हैं ये गांव लास्ट है। इसके आगे लोग नहीं जाते हैं क्योंकि आगे रास्ता भी नहीं बना है और ये लोग बता रहे कि ट्रैकिंग है, वो ट्रैक पूरा करके हम लोग को जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन उस जगह की और खास बात मैं आपको बताता हूँ। एक तो वहाँ मौसम जो है वो ऐसे मिनट्स में चेंज होता है। हम सारे लोग हरिद्वार से आ रहे हैं और वहाँ पे बहुत गर्मी थी, धूप निकली हुई थी और आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम कैसा है। कोई धूप नहीं है और अच्छे से बादल लगे हुए हैं पीछे और बारिश का मौसम बन रहा है। तो उस जगह की खास बात भी यही है और देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं बुग्याल, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। खैर, तो अभी मैं वहाँ आप लोग को लेकर जाऊंगा। अभी तक जहाँ हम पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचने का भी रास्ता बहुत मुश्किल था, बाइक्स वगैरह चढ़ नहीं पा रही थी, बीच में एकदम उबड़ खाबड़ सा रास्ता था। तो आगे का रास्ता कैसा होगा मैं आप लोग को बताऊंगा ही, और वहाँ जाके मैं आप लोग को बताऊंगा कि वहाँ पर पहुँचा जा सकता है कि नहीं। और ये इस गांव की लास्ट चाय की दुकान है, आगे कुछ नहीं है। ये अपने भाई बैठा, इसने चाय बनाई है, इसने बनाई है, बहुत बढ़िया। और ये देखिए बीजेपी ने यहाँ तक भी प्रचार पहुँचा दिया अपना, जहाँ कुछ ना पहुंचे वहाँ बीजेपी तो पहुंची है। वो कहता है ना, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कभी। तो आजकल बीजेपी का IT सेल का भी कुछ ऐसे हो रहा है, प्रभजीत पाजी जहाँ कोई नहीं पहुंचता वहाँ बीजेपी पहुंच जाती है। और आज प्रभजीत पाजी हमारे थोड़े शाय हो रहे हैं, कह रहे मैं वीडियो में नहीं आऊंगा, आज मैं नहा के नहीं आया हूं। तो फिर क्या दिक्कत है, तैयार होके नहीं ना, यहाँ अचानक आ गया। लॉकडाउन में घर पे रेस्ट कर रहे थे और तुमने यहाँ टका दिया, ये जबरदस्ती लाया गया है। अब देखो हम पकड़ पे ट्रैकिंग शुरू कर दी है हम लोगों ने। आगे वो मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं और इधर से ये व्यू चल रहा है कंटिन्यू। तो प्रजीत पाजी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि उत्तराखंड के दो पार्ट हैं, हम लोग गढ़वाल में रहते हैं और कुमाऊं वाला मंडल जो है वो नैनीताल पिथौरागढ़ उस तरह के जो इलाके हैं। क्या नाम लेते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल? हाँ, इन दोनों की डिवाइडेशन किस हिसाब से? जब हम लोग नैनीताल जाते हैं तो आपने देखा होगा बीच में यूपी वाला एरिया आता है। हाँ, 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 जैसे रुद्रपुर से पहले नजीबाबाद वाला जो इलाका है, सही कह रहे हो आप, वहाँ जसपुर इस तरह के जो इलाके हैं, तो उसके उधर वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा वो तो कुमाऊं है। और उस एरिया के इधर वाला जो पूरा पार्ट है हमारा, ये पूरा का पूरा गढ़वाल है। इसमें टीरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, केदारनाथ, बद्री, ये सारी चीजें ये गढ़वाल में आती है। तो ये जो चार धाम, उत्तराखंड के जो चार धाम है, हाँ हाँ, चार धाम वाला जो इलाका है पूरा का पूरा, ये सारा चार धाम के चार धाम गढ़वाल में, ये गढ़वाल मंडल में आते हैं। तो कुमाऊं में ऐसी कोई बड़ी यात्रा, कोई बड़ा मंदिर, कुछ नहीं है? नहीं नहीं है, क्यों नहीं, क्या है? अगर आप कुमाऊं में जाओगे तो आपको पिथौरागढ़ में एक पाताल भुवनेश्वर मंदिर मिलेगा। वहाँ के मंदिर थोड़े से ऐसे हैं जो लोगों की सोच से भी परे हैं, मतलब कहीं जमीन के अंदर जाके गुफाएं बना रखी उन लोगों ने। तो कुमाऊं में आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। पूरा गढ़वाल जो आता है वो शिवालिक रेंज में आता है और शिवालिक रेंज में पूरे देश में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग को हम लोग दे रहे थे। खैर, बात आपस में कर रहे थे, सोचा रिकॉर्ड कर ले, आप लोग तक भी पहुंच जाए। तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि हम लोग फिलहाल गढ़वाल में हैं और गढ़वाल में कुमाऊं जैसी चीज देखने हम लोग रहे हैं, जिनको बुग्याल्स कहते हैं। बुग्याल्स छोटे छोटे ग्रासलैंड्स होते हैं पहाड़ के ऊपर, जहाँ पे लोग गाय भैंसे चराने के लिए उसको यूज करते हैं और उस पे ना आप घूमा जा सकता है बड़े प्यार से। आप लोग आगे तक जा सकते हैं, जैसे इन पहाड़ों पर अगर हम लोग जाना चाहें तो वहाँ नहीं चढ़ सकते हम लोग, बस कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही जा सकते हैं, लेकिन बुग्याल्स को हम पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। पाजी वहीं गिरेंगे सीधे जाके, रुकेंगे भी नहीं। थोड़ी सी अब हाइकिंग भी है और अब चढ़ते चढ़ते बहुत देर हो गई है, काफी थक गए हम लोग। ये सिर्फ ट्रैकिंग ही नहीं है, ये हाइकिंग भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है चढ़ना। ये देखिए पीछे का इलाका, काफी पीक पे हम लोग। तो पानी को लाया कि नहीं लाया? पानी खत्म हो गया, अब आसमान से बरसेगा ना, सीधा मुंह खोल बैठेंगे। बात
थोड़ा डिफिकल्ट है, कभी ये ट्रैकिंग में चेंज हो जाता है, कभी हाइकिंग में चेंज हो जाता है, और ऊपर देख रहे हो आप कुछ नहीं दिख रहा, रास्ता बहुत ही रैंडम है, समझ में नहीं आ रहा कि आगे जाके कहाँ से टर्न करना होगा। हो सकता है कि हम लोग गलत भी जा रहे हो, एक डायरेक्शन हम लोगों ने बस पकड़ा हुआ है, उसी डायरेक्शन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि हमें उस साइड जाना है, जैसे हमें जाना है उस साइड, तो इसीलिए हम लोगों ने जो भी पाथ मिल रहा है रास्ते में उसको लेके चल रहे हैं। चलते चलते बहुत देर हो गई है और थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, इतना थकान मुझे वहाँ पर भी नहीं हुआ था जब मैं क्लाउड एंड गया था। अच्छा ये मेल है, वो फीमेल था, और वो उधर फीमेल है, वो दूर से अगर आपको दिख रहा होता ऑरेंज कलर की ऐसी ऐसी जगह पे पॉइंटेड थी। अच्छा ऐसी ऐसी जगह पे पॉइंटेड रहती है जिसका फूल खुल जाता है। ओके तो यहाँ से थोड़ा बहुत फूल जड़ के हवा के साथ उसमें जाते हैं फीमेल पेड़ के साथ। फीमेल तो इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है। हाँ जी, देखा साइज थोड़ा छोटा है इसके मुकाबले। अच्छा ये बड़ा होता है, मतलब कि इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, उसका थोड़ा ओवल शेप में होता है। तो ये प्रभजीत भाई जी ने एक नई नॉलेज दी कि जहाँ पे फीमेल बरगद होता है वहाँ पे मेल बरगद भी जरूर पाया जाता है। और ये देखिए मुझे फर्स्ट लुक मिला है बुग्याल्स का, वो जो हल्का सा ग्रीन सा दिख रहा है बीच में, इस तरह के होते हैं बुग्याल्स पहाड़ों के बीच में, ग्रासलैंड्स होते हैं और ग्राउंड टाइप के होते हैं पहाड़ के बीच में, ये मुझे फर्स्ट लुक मिला है। तो हो सकता है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, हालांकि हम लोग को चलते चलते अभी लगभग डेढ़ से पौने दो घंटे हो चुके हैं, 1 घंटा 45 मिनट्स। गुनगुनाती ये हवाएं गा रही है एक कहानी, चल पड़ा हूँ मैं अनजान। और मैं आप लोग को कोशिश करूंगा पूरा का पूरा ये सब दिखाने की, क्योंकि मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पर आने के लिए। एक तो ये जगह नहीं बता सकता मैं कि एग्जैक्टली कहाँ से है, पौड़ी गढ़वाल का जो मेन सिटी एरिया है वहाँ से हम लोगों ने टर्न लिया था, और उसके बाद से हम लोग बस अंदर ही घुसते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बाइक चलाने के लिए भी सेफ नहीं था वो, और कार तो खैर नहीं चल पाएगी उस रास्ते पर, वो इतना चौड़ा रास्ता है ही नहीं। अगर आप लोग बाइक से भी आओगे तो बाइक से आना भी सेफ नहीं है। और उसके बाद जहाँ हमने बाइक खड़े किए हैं, बाइक खड़े करने के बाद भी जो हमने ट्रैक कवर किया है, ये ट्रैक ईजी ट्रैक नहीं है, यहाँ पर गिरने का खतरा थोड़ा ज़्यादा है। और अब हम लोग बुग्याल्स पहुँच चुके हैं, लेट मी शो यू। देख रहे हो आप वहाँ पे भैंसे वगैरह चल रहे हैं, गाय वगैरह, इस तरह के होते हैं बुग्याल्स, ये ग्रासलैंड्स होते हैं एक्चुअली पहाड़ों के बीच में, ऐसे प्रॉपर बहुत दूर तक होता है, और ये इन पे आराम से हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। अभी वो सामने वाला जो पहाड़ दिख रहा है आपको वहाँ तक हम लोग जाएंगे, अभी तो जस्ट हम लोग पहुँचे हैं, इधर से हम लोग आए। ले जाए जाने का हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहां हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहां हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहां, ना मुझको खबर ना तुझको पता। बनाती है जो तू, अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ उधर आगे की तरफ, जो मैंने पीक आप लोग को भी दिखाया है। ये बुग्यास की खास बात होती है, गाय भैंसे बकरियाँ ये चढ़ते हुए हमेशा मिलेंगे। जाने संग मेरे कब तक चले, इन्हीं में तो और आज इस बैग में बहुत कुछ। चलो बिस्मिल्लाह, छोटे से पड़ते हैं, छोटे से बैग में, इस छोटे से बैग में बड़ा दिमाग है आज, हम बहुत सारा सामान बताओ क्या मांगोगे, जिनका चिराग बताओ क्या मांगना है, क्योंकि अब सब लोग थक चुके हैं और सबको कुछ ना कुछ पीने के लिए चाहिए। ये कौन है भाई, ये पी के रखा हुआ, पहले कूड़ा फैलाते नहीं हम बैग में साथ ले जाने वाले, ये कूड़ा था रास्ते में हम लोगों ने पिया, इसीलिए रखा गया पाजी ने कि आपको बताया जाए कि कहीं भी कुछ खाओ तो वापस उसको बैग में रख लो, घर जाके फेंकना। पैकिंग बढ़िया करी है ना, वाह पहला पैकेट किसके लिए भाई, है मूंग दाल मूंग दाल मूंग दाल, ये ले लिया भाई जी ने। ये बियर कौन लाया, ये बियर नहीं पाजी, और एक से एक बड़े से बड़े धमाके निकल रहे हैं हमारे मैजिक बॉक्स में। सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले ख्यालों का शहर, तू जाने तेरे होने से ही आबाद है, हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम। ये देखिए जो बात मैं आप लोग को इस एरिया के बारे में बता रहा था, इस वाले बुग्याल पर देखिए धूप है, उस पे थोड़ी धूप हल्की है, और इधर देखिए इस वाले पे धूप है ही नहीं। देती है जो सदाएं हवाएं हवाएं, ना जाने क्या बताएं हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहां हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहां हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहां, ना मुझको खबर ना तुझको पता। Oh,
और अब हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि बारिश कब होएगी, क्योंकि दो तीन बार तो मौसम चेंज हो चुका है अभी तक जब से हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। पिछले दो ढाई घंटे से हम लोग यहीं पर हैं और ये देखिए फिर से मौसम चेंज हो गया। जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि बार बार धूप आती है जाती है, बारिश होती है, तो अब काफ़ी समय यहाँ पर बिताने के बाद अब लगता है कि वापस जाना चाहिए क्योंकि हरिद्वार यहाँ से बहुत दूर है। तो सुशील भाई, क्या सर आज का सफर? जबरदस्त जबरदस्त फील हो रहा है कि कितनी थकान हुई है आते हुए पता नहीं लगा। और ये देख लो कितने लंबे मेरे से और इस जैसे आदमी को मैं स्प्लेंडर पे बिठा के लाया हूँ और चलाई है और अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि स्प्लेंडर इसको खींच रही थी कि ये स्प्लेंडर खींच रहा था वो तो दोनों एक साथ मिल गए। और इस तरह की जगह फाइंड आउट करने के लिए सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का होता है, यही ऐसी ऐसी जगह ढूंढते हैं और फिर हम लोग को बताते हैं और फिर हम इनको चुल मचाते हैं वहाँ चलने के लिए। रास्ते में आते आते जंगल के बीच में एक बाइक में हो गया पंक्चर। खैर हम लोग तो बहुत सारे हैं तो एक बाइक पे कोई तीन लोग बैठ जाएंगे और एक बाइक जिस पर पंक्चर हुआ है उस पर कोई अकेला ट्रैवल कर लेगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं भी बहुत दूर तक। और मुझे लगता है अगले 20 से 25 किलोमीटर तक कोई गाँव भी आने वाला है। आप लोग देख सकते हैं एकदम घने जंगल में खड़े हुए हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन में कहीं फंस जाए तो सबसे पहले तो घबराए नहीं, क्योंकि आराम से एक बाइक पे बस वो आगे वाले टायर पे थोड़ा सा प्रेशर कम डालकर थोड़ा पीछे होकर चलाई जा सकती है। और अभी नीचे जिस गाँव में भी आगे जाके कुछ मिलेगा तो वहाँ जाके इसका पंक्चर जुड़वाया जाएगा। कि इस तरह के ही जो अनटच प्लेसेस होते हैं वो मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूँ। आई होप आपने इस व्लॉग के जरिए ही इस जगह को अच्छे से विजिट कर लिया, वर्चुअली फील तो नहीं करा सकता हूँ। तो यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पाजी जय हिंद। जय हिंद जय भारत। सार मजदूर एकता जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत।